है नहीं जो यहां आके कि ये कहेंगे कि इकट्ठे हो जाओ, और भगवान बुद्ध है नहीं, भाई कहेगा कौन? तो कहना तो साधारण लोगों को ही पड़ेगा। तो भैया हाथ जोड़ के कहेंगे, भिक्कू जी आप अपना समर्थ आपका जो संघ है उसमें आइए, उसे बनाइए, आप अपने संघ में अपना ये जो दुखड़ा है उसको रोइए। सुधीर सुधीर सर, मैं फिर दोबारा उसी क्वेश्चन पर आना चाहता हूं। अगर आप थोड़ा सा डिटेल दे दें, कोई अपडेट है सारनाथ की तो बहुत अच्छा होगा। क्या समण संघ का भी उसमें कोई पार्टिसिपेशन है आगे ऐसे कामों के लिए हम कुछ ऐसा है करें, ओसुरा क्या सर, अलग बात है? ओसुरा सर, दरअसल क्या है कि भारत के अंदर जो हमारे भिक्खु संघ हैं वो कई सारे हैं, जी और कई सारे भिक्खुओं से एक भिक्खु आए थे मिलने के लिए। वो बहुत पहले कभी 2006 में जब हमने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया था नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ उसमें दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा किया था अब तक का, बाबा साहब के बाद का, तो उसमें वो उस समय बेंच बैंकर हुआ करते थे, एक एम्प्लॉय थे सिंपल से। फिर उन्होंने चीवर ले लिया लिया, मैंने वो आए मिलने के लिए कई बार उन्होंने प्रयास किया, फिर उन्होंने देखा कि समर संघ में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा और भी कई भिक्कू, उन्होंने कहा कि समर संघ में हमको ले लो। तो हमने कहा भी समर संघ में भिक्कू का क्या काम है, भिक्कू को क्या लेना है, भिक्कू संघ है, भिक्कू संघ के पीछे खड़े हुए हम, तो आप अपना भिक्कू संघ बनाओ पहले आप। मैंने उनको भी कहा था कि भारत में कोई भी आदमी इस बात की पहल नहीं कर रहा है कि भिक्कुओं का एक संघ होना चाहिए। तो चीवरधारी लोग भी अगर भिक्कू संघ नहीं बनाते हैं, और भिक्कुओं के अंदर भी, भिक्कू संघ के अंदर भी प्रधान और जनरल सेक्रेटरी बने हुए चल रहे हैं, तो उपासक आपसे या जो साधारण लोग हम जैसे हैं वो आपसे क्या प्रेरणा लेंगे और क्या सीखेंगे? इस कारण से उनमें जैसे भंते चंद्रमा जी हैं, वो इंडिविजुअल तो काम बहुत अच्छा कर हो सकता है, मगर धम्म के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि भिक्कू संघ उनका एक नहीं है। दूसरा क्या है, भिक्कू का काम धम्म को बढ़ाना है, ना कि मठ को बढ़ाना है। तो कहने को वो जो पैटर्न है, उन्होंने आज जो पैटर्न लिया हुआ है वो पैटर्न उन्होंने गुरुकुल से लिया हुआ है। गुरुकुल के अंदर गुरुकुल बढ़ाए जाते हैं, जो शिष्य हैं वो नहीं बढ़ाए जाते, वो दरअसल एक रटन तोते की तरह बढ़ाए जाते हैं। जबकि बुद्ध ने विनय पिटक और त्रिपिटक के अंदर इस तरह का पैटर्न नहीं दिया। भिक्कू कोई भी मठ का अधिकारी नहीं बन सकता। भिक्कुओं के नाम जायदाद हो रही है, भिक्कू बुद्ध विहारों के मालिक बने हुए हैं, उनकी रजिस्ट्रियां उनके नाम से हो रही हैं, वो चंदा ले रहे हैं, डायरेक्ट उनका पैसा ले रहे हैं, उन्होंने खाते खुलवाए हुए हैं, अलग अलग लोगों ने फाउंडेशन बनवाई हुई हैं, बहुत सारे भिक्कू अपनी अपनी फाउंडेशन चला रहे हैं। अच्छा, उनका जो काम होता है बड़ा करुणामय होता है, आप उनसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो आप उनसे कहेंगे तो उनके जो भक्त हैं या जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके दानदाता हैं, जिन परिवार में उनका आना जाना है, जो उनकी आसामी है, वो नाराज हो जाते हैं, और वो नाराज होके एक सीधा सीधा ब्लेम करते हैं। अरे ये सुधीर दास सिंह तो बुद्ध से भी बड़ा हो गया, अरे ये सुधीर दास सिंह तो अंबेडकर से बड़ा हो गया, अरे ये सुधीर दास सिंह तो धम्म का इतना बड़ा क्या ज्ञानी हो गया। जबकि हम उनसे बहुत सिंपल सी बात पूछते हैं कि भाई विनय पिटक में कहाँ लिखा हुआ, जरा आप बताना, जो आप व्यवहार कर रहे हो उससे धम्म तो बढ़ेगा नहीं, और आप जिनका जिनके प्रतिद्वंदी होकर ये काम कर रहे हैं और जिनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनका तो ये काम है, उनका तो ये धंधा है, भाई आपका नहीं है, आप में और उनमें डिफरेंस है, आप अपना डिफरेंस समझो। भिक्खू संघ ऐसे नहीं है। तो भिक्खू संघ का कहीं दूर दूर तक भी भारत के अंदर अभी नाम नहीं है, और इसको कोई भी भिक्कू करने को तैयार नहीं है। भिक्कुओं में भी मठाधीश बनने की और अलग अलग संघ चलाने की और संघ नायक बनने की, संघ नायक का तो कोई पद ही नहीं है। जब बुद्ध जैसे व्यक्ति के पास संघ नायक का पद नहीं है, कहाँ से लाए भाई संघ नायक के पद को, और कैसे जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, और कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और कैसे इसकी संस्था बन जाते हैं, और कैसे? तो अलग अलग लोगों ने, कुछ विदेशी लोग हैं जो उनको चंदा देते हैं, कुछ रेगुलर देते हैं, कोई 10 पाउंड देता है, कोई 20 पाउंड देता है, कोई डॉलर भेज रहा है, कोई पाउंड भेज रहा है। कई भिक्कू ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर सेटल हो गए, उनको वहां अच्छा पैसा मिलता है। तो सेटल होने के लिए भिक्कू को कहा नहीं है कभी भी। भिक्कू के लिए साफ आदेश है कि भिक्कू तेरे को जीवन भर चलना है, और लोगों की क्या बोलते हैं, करुणा के लिए, उनकी भलाई के लिए, और तुझे रुकना नहीं है, और भिक्कू की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। बुद्ध ने तो मरने से पहले अपना पात्र भी दे दिया था, ये लोग भी पात्र ले जाओ, कपड़े तो पहनना, चीवर तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो सिर ढक कर रहते थे, वरना वो चीवर भी छोड़ देते कि भाई चीवर भी कुछ दे लो, तो एक चीवर मरते समय सिर्फ एक चीवर रहा है, और यहाँ भिक्कू हैं कि मामला ही कुछ और है। तो ऐसे भिक्कुओं के साथ में जिनका संग ना हो और जो अलग अलग रहेंगे, उनके साथ जातियां होंगी, उनके साथ प्रताड़ना तो होंगी, और कितने लोग खड़े हो जाएंगे उनके साथ में? हर एक भिक्कू की आसामी अलग है, एक भिक्कू के साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो दूसरे के साथ खड़े नहीं होते, जो दूसरे के साथ खड़े हुए हैं वो तीसरे के साथ खड़े नहीं होते, जो तीसरे के साथ खड़े हुए हैं वो अलग नहीं है। फिर भिक्कुओं में एक सिस्टम और भी चल रहा है, जो कास्ट से हम लड़ने के लिए पूरी जिंदगी लगाई है, वो कास्ट का भी मैटर आता है उनके अंदर, तो वो हिडन रूप से चलता है।
ये सारी बातें इतनी खतरनाक हैं और इनको कहना चाहिए, मगर लोग क्या कहते हैं, हम क्यों बुरे बने, हम क्यों खामेखा करें, ये इनका भिक्कू का मैटर है। तो हम भी कई बार कह देते हैं, अरे भिक्कू का भिक्कू जाने, हमें भिक्कू से क्या लेना, हम खुद इकट्ठे हो जाएं, भिक्कू जब इकट्ठे होते होंगे तो हो जाएं। तो आपने जैसे कहा कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये दरअसल जो मैटर है भिक्कू संघ का मैटर है, उनको अपना भिक्कू संघ बुलाना चाहिए, पूरे भारत का भिक्कू संघ इकट्ठा करना चाहिए और भिक्कू संघ में ये बात कहनी चाहिए कि सारनाथ के अंदर भिक्कुओं को जाने से रोका गया, क्यों रोका गया, उनको उपासकों में या जो हमारे जैसे साधारण लोग हैं उनमें नहीं आनी चाहिए ये बात, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जहां उनको जाना चाहिए वहां जा नहीं रहे, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं है, क्या कहेंगे, क्योंकि अलग अलग टुकड़े पड़े हैं, और कुछ आसामियों को कहते हैं, कुछ वो इमोशनल प्ले करते हैं, इमोशनल कार्ड खेलते हैं, देखो धम का मामला है, भिक्कू को ऐसा कह दिया, अरे भाई धम तो बहुत मजबूत है और भिक्कू से भी ज्यादा मजबूत है, आप पहले इकट्ठे तो हो, आपको कौन कहेगा, आपके सम्राट अशोक तो आने है नहीं जो यहाँ आके ये कहेंगे कि इकट्ठे हो जाओ, और भगवान बुद्ध है नहीं, भाई कहेगा कौन, तो कहना तो साधारण लोगों को ही पड़ेगा। तो भैया हाथ जोड़ के कहेंगे, भिक्कू जी आप अपना समर्थ आपका जो संघ है उसमें आइए, उसे बनाइए, आप अपने संघ में अपना ये जो दुखड़ा है उसको रोइए, आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अपने संघ में जाके सबको इकट्ठा करिए, और संघ जो आदेश करे फिर उसको हमें बताइए, फिर सरकार ना मानती हो तो फिर हम देखेंगे, हम सारे उपासक आपके साथ हैं। भाई आप अलग हो, आपने अपने उपासक अलग कर रखे हैं, आपने झुंड बना रखे हैं, आपने आसामी बना रखे हैं, तो परिणाम अच्छा नहीं आता, ये तो भगवान बुद्ध बता के गए हैं, रोज रोज सुनाते हो संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और खुद संघं शरणं गच्छामि का पालन नहीं करते हो तो कैसे परिणाम आएगा। ये तो संघ, ये तो धर्म का नियम है, संघ की शरण में जाओगे तो संघ आपको मदद करेगा, जब संघ ही नहीं है तो शरण में कहां से जाओगे। इसलिए ओसो राज जी, ये मैटर कुछ भी हो सकता है, मेरी जानकारी में है, मगर मैं यहां बताने कोई फायदा समझता नहीं हूं, क्योंकि मेन समस्या कुछ और है, मेन समस्या है कि उनका कोई संघ ही नहीं है। आपके अगर कॉन्टेक्ट में है तो आप उनसे कहिए कि भंते अपने संघ में लेके जाइए, आपका नियम बनता है कि आपको संघ में उपोषित करके और वहां पर ये रखना चाहिए, और हर 15 दिन आपको सभा करनी चाहिए। हमारा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, हमारा आपसे एक विनय है, अनुविनय करते हैं हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप वहां सारे जाएं और वहां जो संघ आदेश पारित करे फिर बताएं, फिर वो संघ फिर सरकार भी मानेगी, फिर दुनिया के सारे भिक्कू भी मानेंगे, तो कोई समस्या आएगी नहीं। फिर ये इसका जवाब है सर जी। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत अच्छी बात चल रही है प्रोग्राम की, बाबा साहेब की के कैसे सेलिब्रेट करना है, तो उसमें एक दो बातें जो NRI परस्पेक्टिव पे हैं, यहाँ कैसे काम करती है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडिया का तो आप सभी को मालूम है कैसे करना है क्या करना है, तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, इस बात में मैं एग्री करता हूँ प्रोग्राम्स में, और जो सुनेहा है बाबा साहेब की विचारधारा है जो उसके ऊपर बात कम होती है, तो ये धीरे धीरे ट्रेंड ये खर्चे का जो है इसको बदल दें तो बड़ा अच्छा होगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर 233 आदमी अभी बात ये कर रहे हैं और समन सम के बाकी मेंबर भी होंगे, तो ये तो सभी एग्री होते हैं इसमें, और जो दूसरे लोग जो अलग अलग संगठनों में हैं वो इसमें नहीं है, तो वो उनको ये मैसेज कैसे जाएगा और उनको कैसे चेंज किया जाए, वो तो एक चैलेंज है अभी। तो धीरे धीरे हम लोग शुरुआत करेंगे तो वो भी पीछे कहीं ना कहीं उनको भी पता चलेगा कि ये हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, बाबा साहेब के विचारों के बारे हमेशा कुछ जानना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर हम टोरंटो में जब प्रोग्राम करते हैं तो पहले पहले ऐसे होता था कि कम्युनिटी हॉल छोटा बुक करके उसमें प्रोग्राम करते थे और खुद अरेंज करना पड़ता था चेयर्स वगैरह का, वो सस्ते पड़ते थे और खाने का भी खुद ही डिलीवर करवाना पड़ता था बाहर से, तो लोग आते थे और वहां पर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, और बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि वो थोड़ा लोग बेहतर प्रोग्राम चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। उस दिन ये मैसेज तो बाबा साहब का उन्होंने सुनना ही होता है, और साथ में ये भी सोचते हैं कि हमारा जो बाहर जा रहे हैं तो पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए, जो भी संगठन हमें बुला रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि हमें अच्छी तरह से डिनर सर्व करे, अच्छी तरह से हमें खाने दे, ये करे वो करे, तो वो हमने उसको बेहतर करने के लिए बैंकेट हॉल्स में भी प्रोग्राम करने शुरू कर दिए, जहाँ पर शादियां होती थी, तो खर्चे वाला काम तो था मगर लोगों की अटेंडेंस बढ़ गई उसमें, तो वो जो यहाँ पर लोग 200-300 पहले जो 100-150 आते थे वो 300-350 तक आने शुरू हो गए,
तो अगर हम वो प्रोग्राम बंद करते हैं, लोगों को कहते हैं कि अपना अपना खाना लेकर आओ, जैसे समन संघ यहाँ कह रहा है, तो हमारे लिए वो एक चैलेंज है इन कंट्रीज में, क्योंकि वो लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ने भी समन संघ ने भी प्रोग्राम किया है तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद प्रोग्राम करें। तो मैं ऐसी कोई आशा यहाँ पर नहीं देनी चाहता सभी साथियों को कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे भारत में होता है। वहां पर लोगों की लोग अलग ढंग से करते हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग है, चैलेंज है। तो इस साल का प्रोग्राम जो टोरंटो में, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा कोई ऐसा बात अभी तक नहीं चली कि हमने बैठकर प्रोग्राम करना है या कोई एक जगह पर इकट्ठे होके करना है। तो हुआ तो शायद वर्चुअली होगा, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, ऑनलाइन सेलिब्रेशन हुई थी, तो अभी तक भी वो ऐसा ही है, लग रहा कि जो सेलिब्रेशन है वो ऑनलाइन चलेगी, क्योंकि जहाँ के अभी लॉकडाउन के जो रूल्स हैं वो अभी चल रहे हैं, काफी इतने रिलैक्स नहीं हुए, तो उसकी वजह से जो अगर हुआ तो वर्चुअल करेंगे, उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे जरूर, बाबा साहब की बात जरूर हमेशा आगे आएगी। और समन संघ के बारे में मैं अगर कहूँ तो वो ये कि जब हम इकट्ठे होंगे बाबा साहब के लिए या किसी भी मकसद के लिए हमारे समाज के, तो समन संघ की बात जरूर चलेगी, वहां पर हम कर रहे हैं, और उसमें लोगों को जरूर ये बताया जाएगा कि ये ऐसे हम काम करना चाहते हैं और ऐसे हो रहा है, नेटवर्क चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, दूसरे कंट्रीज में चल रहा है, तो उसके बारे में जरूर ये बात हम उनके साथ शेयर करेंगे। उसके आउटकम जो है वो कहने की जरूरत नहीं, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। तो एक दो बातें मैं अलग से करनी चाहता हूँ यहाँ पर। जब हम मीटिंग करते हैं एक वीक के अंदर, तो उसमें अभी थोड़ी देर पहले ये प्रोग्राम की ये भी बात हुई कि वो धूम धड़के वाले प्रोग्राम नहीं करने चाहिए हमें, शोर शराबे वाले, म्यूजिक वाले, ये वो। तो पंजाब से मेरा एक पहले 2-3 महीने एक मीटिंग में काफी हमारी बात हुई थी, और वो लोग कह रहे थे कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं हमें वो जो हमारे मिशनरी कलाकार है उनको लाना पड़ता है, तभी लोग आते हैं, वो आकर मिशनरी गाने गाते हैं, मिशनरी म्यूजिक बजाते हैं, तो वो मिशनरी राइटर्स हैं वो जो गाने लिखते हैं, तो वो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो भी एक चैनल है जिसकी तरफ से लोग आते हैं और बाबा साहब की या हमारे मिशन की बात सुनते हैं। तो हम यहाँ तो नहीं करते वो कैनेडा में, मगर वो पंजाब में जरूर, तो वो प्रोग्राम जब भी होते हैं तो उसको माहौल को बनाने के लिए उन लोगों को बुलाया जाता है और वो प्रोग्राम करते हैं। और यहाँ की एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, मोस्ट रिसेंटली एक यहाँ प्रोग्राम हुआ था हमारा मिशनरी, 2-3 महीने की बात है, 3-4 महीने की, प्रोग्राम में डिनर जो था वो बैंक्वेट हॉल में प्रोग्राम था, वहां पर सब कुछ अवेलेबल था, लोग आए और वहां पर बातें इतनी ज्यादा स्नेहा नहीं पहुंचा सके और लोग अपने फन के लिए आए थे, और यहाँ वहां पर 350 लोग इकट्ठे थे। बिल्कुल दूसरे दिन एक मीटिंग रखी गई थी टोरंटो में जिसमें सिर्फ एक मिशनरी बात होनी, उसके लिए भी उन लोगों को वही दे दिया गया था कि भाई कल शाम को इस टाइम पर आप इकट्ठे होइए और वहां पर हमने समाज की बात करनी है। तो 350 में से सिर्फ 8 आदमी वहां पर दूसरे दिन शामिल थे मीटिंग में, तो हम वहां जाकर देख रहे थे कि ये चक्कर जो चल रहा है, जैसे लोग कैसे आते हैं, उनको लाना भी बड़ी मुश्किल है, घरों से निकाल कर लाना और उनको फिर बात बतानी। तो हम वो अलग अलग आपके आपके वहां जो काम करती है बात, वो हमारे यहाँ नहीं करती, हमारे हमें अलग से देखना पड़ता है हमारे समाज में लोग कैसे कैसे बैठे हैं और किन बातों से उनको हम आगे ला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम कोई काम करते हैं उसका फोकस जो है हमारा उसके ऊपर होना चाहिए। मैं ये कमिटमेंट करनी चाहता हूँ हमारे साथियों के साथ इस साल कि बाबा साहब के प्रोग्राम पे हमें ये भी एक प्रण लेना चाहिए कि हमने पिछले साल में क्या किया और आने वाले साल में हम कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जो कि हम 2022 में करेंगे, और उसका रिजल्ट जो है नेक्स्ट प्रोग्राम जब होगा बाबा साहेब का, उससे पहले हम उसको डिक्लेयर करें कि हमने ये प्रण किया था, उसको कितने परसेंट अचीव किया। तो विचार तो शेयर करना ही है, मगर ऐसा कोई काम भी हम समाज का एक साथ करें जिसके साथ ये पता चले कि हम तरक्की कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, हो रहा है। और यहीं पर मैंने लास्ट वीक भी हमारे रवि हैं जी न्यूयॉर्क से, इन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में बात की थी कुछ देर पहले, 1-2 महीने पहले, कि ये स्टूडेंट वीजा आईलेट के प्रोग्राम करवा कर लाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जरूर हमारे साथ वो उसकी अपडेट शेयर करें साथियों के साथ, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका आउटकम क्या है,
क्या हम सिर्फ बात करके ही छोड़ देते हैं उसको, या कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो वो कौन कौन से, कितना उसकी तरक्की हुई है, कितनी उसकी प्रोग्रेस हुई है, और कितने स्टूडेंट्स को हमने वो वहां पर तैयार किया, कितनों को बाहर लाए हैं, कितने न्यूयॉर्क में हैं, कितने कैनेडा में हैं या किसी और कंट्री में गए हैं, ताकि उस प्रोग्राम की प्रॉब्लम, जो प्रोग्राम है जो इनिशिएटिव कर रहे हैं उसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो, उसमें कोई सही काम हो जो यकीन वाला हो, ईमानदारी वाला हो, ताकि हमारे सभी साथियों को पता चले कि हाँ ये हो रहा है, ऐसे हुआ, और आगे उसकी और उसको और बढ़ाया जा सके। अगर हम शुरू करते हैं और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो बात ये होती है कि कुछ जो लोग नए जुड़ते हैं या पहले कुछ ऐसा देख रहे हैं कि कुछ रिजल्ट आने चाहिए, उनको जब पता चलता है कि इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा तो उनका वो जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाती है। तो इसलिए अगर हम बाबा साहेब के दिन के ऊपर, मैंने तो ऑलरेडी अपने साथियों के साथ दो तीन बातें जो हैं वो इनिशिएटिव के लिए हमने डिस्कस कर रखी हैं कि हम इस साल में ये बात काम करेंगे और बाबा साहेब का जब दिन आएगा तब तक इसको कंप्लीट करेंगे इस साल में, और नेक्स्ट ईयर नया प्रण लेंगे और कोई नया काम करेंगे जिससे हमारे समाज का कोई फायदा हो, सभी का हो, बहुजन हिताय वाला कोई प्रोजेक्ट लें। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं, हम बाबा साहेब के विचार तो लाएंगे मगर कुछ स्टेप बाय स्टेप उसको करने के लिए भी आगे वो भी हमारे प्रण होने चाहिए बाबा साहेब के दिन के ऊपर। वो भी यही चाहते थे कि जो कारवा वो यहाँ तक लेकर आए उसको आगे लेकर जाने के लिए मेरे साथी आगे चलते रहे, उस पर काम करते रहे। तो वो हमें हमेशा ही ध्यान में रख के बाबा साहेब के दिन पर ये प्रण लेकर आगे चलना चाहिए, और जो हम पहले प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनकी भी अपडेट टाइम टू टाइम देकर सभी साथियों को ये बताते रहना चाहिए। तब वो जो पार्टिसिपेशन है लोगों की या लोगों का कॉन्फिडेंस है हमें उस प्रोजेक्ट में, और वो बढ़ता है और उसके साथ दूसरे प्रोजेक्ट भी हम शुरू कर सकते हैं। एक बात मैं लास्ट में ये छोड़ के जाऊंगा, अभी नहीं और आप साथी देख लीजिए, सुधीर जी शायद उस पर बोले बाद में कॉन्सेप्ट में, या और भी किसी साथी ने कुछ विचार देने हो तो वेलकम है। मैं चाहूंगा कि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, एक दो दिन का जो सारनाथ में हुआ है कि वहां पर भिक्षुओं को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही, वहां पर लिखकर लिखा है कि एडवांस नोटिस देना पड़ेगा सारनाथ में एंट्री का, क्या कोई साथी हमें से उसके ऊपर थोड़ी डिटेल दे सकता है कि वो क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्यों हुई है और उसका अपडेट क्या है? अगर कोई है इस एजेंडा में फिट कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात होगी। सुधीर जी बता दें, या कोई पहले कोई साथी किसी को पता है तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी अपडेट ऐसे कामों की हमारे साथ साथ मिलती रहे। वो जो सारनाथ है हमारा, जैसे सभी को पता है, वहीं से धम्म शुरू हुआ है, वही हमारा धम्म चक्र का पहला प्रवचन हमारे तथागत बुद्ध जी ने वहां जाकर किया था, तो वो वहीं से धर्म शुरू हुआ है, वहीं से एंट्री बंद हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर वो हुआ है तो क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी इस प्रोग्राम में कोई डिटेल दे दे साथी तो बहुत मेहरबानी होगी। तो इसी के साथ मैं अभी यहीं बंद करता हूँ, आपके साथ बना रहूंगा, अगर कोई और सवाल मेरे लिए हुआ तो प्लीज करिए, और मैं भी अगर कोई ख्याल में आया तो मैं आपसे पूछूंगा। धन्यवाद सत्य जी, बैक टू यू। नाम बताया सभी साथियों को, तो मैं रवि मेहर न्यूयॉर्क यूएसए से, तो हम लोग भी इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं, तो पंजाब में खास करके डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट हम मीटिंग का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और तीन मीटिंग हो चुकी है, और कंट्री नेक्स्ट मंथ जो अभी जी है सैटरडे संडे हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको अपने साथियों को बताएंगे कि वहां पर जाकर खास करके हरियाणा और चंडीगढ़ के लोग पंजाब में उनके साथ जाएं, उसको इसके बारे में बताएं। समझ संघ की तरफ से हम मीटिंग करने का रख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती के ऊपर डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों को इकट्ठा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे जो हमारे साथ हुआ, जो संगठनों ने किया, पार्टियों ने किया, जो हमने लूज किया और कुछ गेन नहीं कर पाए। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने संगठनों के ऊपर उठकर, अपने आप से ऊपर उठकर समझ संघ से जुड़े, तो हम ट्राई करेंगे कि आप सभी के राइट बचाने की, संविधान को बचाने की, जब तक हम संगठनों में फंसे रहेंगे तब तक हम लोग नहीं संविधान नहीं बचा पाएंगे, हम राइट नहीं बचा पाएंगे। सबसे ज्यादा हमारा पंजाब का कि हम लोग एक साथ इकट्ठे होंगे तो हम अपनी जमीन जो हमारी खत्म हो चुकी है, हमारी पंचायती जमीन जो है वो हम वापस लेना चाहते हैं कि हम पंजाब में एक साल में हम प्रयास करेंगे कि हम वो पंचायती जमीन में जो हमारा थर्ड हिस्सा है वो हम वापस ले सकें।
आस करते कि हम लोग इस महीने और नेक्स्ट मंथ में काफी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद हमारी न्यूयॉर्क में भी मीटिंग है कल को, हम लोगों ने रखी हुई है, तो डॉक्टर अजीजाल उनके घर पर तो शायद 40-50 लोग इकट्ठे होंगे न्यूयॉर्क से, तो काफी सक्सेस होगी और बढ़िया रहेगी कि समस्या के बारे में वो लोग जान पाएंगे, हम लोग उसको बताएंगे। हम देखते हैं कि कैसे कैसे लोगों को समझाना है और लोगों को साथ लेकर आना है, तो आस करते कि जल्दी हम लोग दूसरों के पास जा पाएंगे। और इसीलिए हम इस मीटिंग में भी इतना ज्यादा हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि हम लोग यही टाइम होता है पंजाब में बात करने का और सभी साथियों के साथ बात करते हैं और मीटिंगों का अरेंजमेंट करते हैं। हम देख रहे हैं कि पंजाब के साथ के बीच में कम आ रहे हैं, तो वो भी अपनी अपनी जिम्मेवारी वहां पर अनवा रहे हैं कि हम लोग फिजिकल लोगों के पास जाएं, फिजिकल मीटिंग्स का अरेंजमेंट करें और फिजिकल अरेंजमेंट करके मीटिंग करेंगे तो फिर और बढ़िया हो जाएगा कि लोग समझ पाएंगे। और जैसे श्री सर ने बोला कि हम खर्च कम से कम करें और पंजाब में अभी तो नहीं कि हम खाना साथ लेकर आएंगे, क्योंकि पंजाब में जो लंगर की समस्या है, लंगर का प्रोग्राम चलता है कि सभी लोग चाहते हैं कि कहीं भी इकट्ठे हों तो लंगर मिल ही जाएगा। लंगर की बजाय हम लोग चाय पानी का अरेंजमेंट करेंगे और चाय पानी के ऊपर जो खर्चा है वो हम लोग करेंगे। तो हम कर रहे हैं कि कम से कम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है उसके ऊपर कम खर्च किया जाए और लोगों को समझाने का प्रयास करें। और हमारे मोस्टली गांव में स्टैचू लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेवारी स्टैचू के ऊपर गार्म अमलिंग कर ही स्टार्ट कर देते हैं और खत्म कर देते हैं, वो समझते कम है, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी हार डालने के बाद ही खत्म कर देते हैं। और लीडर लोग भी जो भी आते हैं वो भी ऐसा करते हैं कि अभी समस्या समझने की कि वो समझ नहीं पा रहे कि मिशन की है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनोहर कंशीराम जी ने हमें की किया। और हमें आस करते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे तो जरूर पहुंच पाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग एक जन्मदिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का मनाए तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद जो बुद्ध जयंती आ रही है वो भी एक साथ एक डिस्ट्रिक्ट में एक बार ही मनाए तो बढ़िया रहेगा। तो थैंक यू आपको हमें टाइम देने का। और अभी कॉन्सेप्ट का भी टाइम हो चुका है कि हम चाहेंगे कि आप लोग कॉन्सेप्ट करें, सभी लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू जयदीन, नाउ बाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
Oh.